चर्चा से क्यों डरते हैं आप लोग सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं आ रही हूँ मलुक साहब, माफी के साथ बस इसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, बस एक लाइन में देखिये, कीर्ति आजाद जी ने ट्रैप बिछाया और नासिर हुसैन जी सीधे उसमें चले गए। ये सही है कि 2G मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को रिलीफ दिया, नासिर हुसैन साहब, तो वो सीबीआई से रिलीफ मिली, वो सत्य की जीत थी। और जब सीबीआई क्वेरी करती है तो वहां आपके लिए विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। अब दो में से एक आरोप तय कर लीजिए ना, अगर सीबीआई विंडिक्टिव है तो आपको उससे रिलीफ कैसे मिल रही है, और अगर सीबीआई विंडिक्टिव नहीं है तो फिर आप विंडिक्टिव क्या कह रहे हैं। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि क्यों सीबीआई से रिलीफ मिली उसका भी मैं रीजन बता रहा हूँ। अरे पूरी बात दिया गया, हम लोग सभी एमपी हैं, बोले दर्शकों को बेहतर समझ में आता है, बोले बेहतर समझ में आता फैक्ट के साथ बोले। क्लीन चिट मिला या नहीं इतना बताइए आप, अरे भाई बताइए क्लीन चिट दिया गया या नहीं दिया। अरे भाई मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ, दिया गया या नहीं दिया। अरे मैं पूरा रीजन बता रहा हूँ, दर्शकों को एक चीज याद आ जाएगी। क्या दे रहे आप, आपको हमारी बात पे किसी भरोसा नहीं। आपने कहा आपने इश्यूज रेज किए। नहीं, आपने कहा आपने इश्यूज रेज किया। हम मैं पूछ रहा हूँ इस पर क्लीन चिट कोर्ट ने दी या नहीं दी, ये बताइए आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भाई, आप पूरी बात तो सुन लीजिए कि वो मैं आपसे यही कह रहा हूं, तो बताइए सीबीआई विंडिक्टिव है या नहीं। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। मैंने मान लिया कि आपके केस में उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए अब बोलिए। इसका मतलब दोनों तरफ ही चलेगा, खड़ा किया जहां हमें सूट किया, जहां हमें सूट किया हुआ थी। अब मैं वो भी बता रहा हूं, राजनीति की थी नासिर साहब, बदनाम करने की राजनीति की, आज भी बदनाम करने की राजनीति की। उसके बाद मैं बोलता हूं क्लीन चिट मिला है ना, अरे आप चिट दिया गया नहीं दिया गया, इसका मतलब आप जो है बदनाम करने की रामजीति, बदनाम करने की राजनीति खड़ा की थी आपने। इसका मतलब यह था देर से झूठ बोला था आपने, इसका मतलब है तो लोगों को आप जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी और सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करने की झूठी साजिश क्रिएट की थी। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, मुद्दे पर भी रहते हैं थोड़ा, मुद्दे पर 2G CWG इतने आज भी वही कर रहे हैं। आज का मुद्दा है नासिर साहब, आपको निलंबित किया गया है, आप एक बार नहीं डिमांड कर रहे हैं कि आपका निलंबन वापस ले सरकार, वापस ले स्पीकर, एक बार भी आपकी ओर से नहीं कहा गया, आप कैसे अपनी बात सदन के भीतर उठाएंगे। चित्रा जी ठीक है, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, चित्रा जी आपको मैं आज की बात सुन रही हूँ, मुझे लगा कि आप बोलेंगे ना साहब को कैसा पता। अरे मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप बोलिए। ठीक है सुधांशु जी हाँ, सुधांशु जी एक मिनट हाँ, अब नासिर साहब मैं बोल लूँ, आप बोल चुके हो तो मैं बोल लूँ। हम लोगों ने आपको कैसा पता चला कि हम लोगों ने चेयरमैन से नहीं मिला। अरे नासिर साहब अभी डिबेट की मैं बात कर रही हूँ, नासिर साहब अभी डिबेट की मैं बात कर रही हूँ, डिबेट की बात कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ वही बात आप बोलिए, आप चले जा रहे हैं CWG और 2G पर। मौजूदा वक्त पर जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर रहते हैं ना, सुधांशु त्रिवेदी जी पहले जवाब दे दीजिए। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को मैं वर्तमान पर भी जवाब देता हूँ, क्या हो रहा है सर, जवाब। अरे मैं बिल्कुल वर्तमान में जवाब दे रहा हूँ नासिर साहब, नासिर साहब अब उनसे जवाब, अब सुन तो लीजिए भाई। अब वही जो दृश्य वहां संसद में क्रिएट हो रहा है वो यहाँ ना क्रिएट हो ना, अपने अपने टर्न पे हम लोग बोले बेहतर होता। पहले दो लाइन में 2G का जवाब दे देता हूँ। 2G के मामले के ऊपर जब संयुक्त संसदीय समिति बनाने की बात आई थी, जेपीसी गठित करने पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वो इसलिए गठित नहीं होगी क्योंकि पीएसी उसकी जांच कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और मैं पीएसी के सामने आने को तैयार हूं। पीएसी के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर जोशी थे, मगर जब पीएसी की रिपोर्ट सबमिट होने की बात आई तो सपा बसपा और डीएमके के नेताओं के थ्रू वो रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई, और उसके दो दिन के अंदर सीबीआई ने कैसे विड्रॉ किए, तो 2G की रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुई पीएससी को, तो केस तो कमजोर हो ही जाना था। अब मैं आता हूं आज की बात पे, वो तो 2G की बात, अब आइए आज की बात पे आते हैं। देखिए जनाब, ऐसा है कि जिस जमाने में आपको लगता था हमारी बात संसद में सुनी नहीं जाती थी, बोफोर्स के जमाने में जब हम कह रहे थे डिस्कशन करें और डिस्कशन नहीं होता था, तो हम अखबार में हर दिन राजीव गांधी से 10 क्वेश्चन पूछते थे। आज मैं आपसे कहता हूं ना, अगर आपको लगता है कि महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई और राज्य सरकारों ने उसका विरोध किया था, तो विरोध का पत्र अखबारों में छपवा दीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना, आप तो सोशल मीडिया है छपा दीजिए। महंगाई को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है।